तीन युवकों द्वारा यहाँ पर एक मेडिकल की छात्रा के साथ, वो उस समय की आखिरी घटना थी और संसद में भी उसका काफी बवाल उठा था और उसी के बाद से इसको बंद कर दिया गया। और ये हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस वाले। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो एक ऐसे स्थान के ऊपर होने वाला है जिसे लोगों द्वारा खूनी दरवाजा कहा जाता है। और दोस्तों, सिर्फ जगह के नाम पर अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ एक दरवाजा है, लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, जगह छोटी होती है और घटनाएं उसे बड़ा बना देती है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ है। तो आज पूरा का पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे काबुली दरवाजा कहा जाता था जिसे बाद में खूनी दरवाजा कहा जाने लगा। रीजन जो यहाँ पर घटनाएं घटी उसके हिसाब से इसे खूनी दरवाजा कहा जाने लगा। और ये सारी घटनाएं मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या थी। और लेकिन इसे बनवाया गया था शेरशाह सूरी द्वारा। अभी मैं उन घटनाओं की बात करता हूं जो ये साबित कर देंगी कि ये जो काबुली दरवाजे से इसका नाम जो खूनी दरवाजा हुआ है वो सही है। तो पहली घटना मैं आपको बताता हूं। पहली घटना में दोस्तों, जब जहांगीर शासन पर बैठे थे या फिर गद्दी संभाली थी उस टाइम पे दोस्तों, जो अकबर के नौ रत्न हुआ करते थे, उन नौ रत्नों में से कुछ ने उनका विरोध किया था और इसी विरोध को खत्म करने के लिए उन्होंने एक रत्न के दो बेटों को यहीं पर कत्ले आम कर दिया था। और फिर उनको जो उनकी लाशें थी, जो उनके शव थे, उनको यहीं पर सड़ने के लिए छोड़ दिया था। तो पहली घटना तो दोस्तों ये है। और अब मैं आपको बताता हूं दूसरी घटना। जब आप इस दरवाजे को देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में कुछ घूम रहा होगा कि ये दरवाजा मैंने कहीं देखा है। जी हाँ दोस्तों, जो पुराना किला है दिल्ली का, जो उसका जो बाहरी दरवाजा है वो लगभग इसी तरह का है। रीजन दोस्तों, क्योंकि उसे भी शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था और इसे भी शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। लेकिन दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरी घटना के ऊपर। तो दोस्तों, जब दूसरी घटना हुई थी उस समय पर औरंगजेब शासन पर अपनी गद्दी पर बैठने वाले थे और उस समय पर जब उनके भाई ने उनका विरोध किया था तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जब कत्ल किया था, वो जो स्थान था वो भी यही था। और दोस्तों, अब हम आते हैं तीसरी घटना पर, सबसे मुख्य घटना पर, जिसे मुगल दौर का अंत भी कहा जाता है। इसी जगह पर मुगल दौर का अंत हो गया था, यही लोगों द्वारा बोला जाता है और ये सच भी है दोस्तों। तो के द्वारा मैं आपको बताऊंगा वो किस तरीके से है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के दौरान हार गए थे, क्योंकि उन्होंने ही इस मेन आंदोलन का समर्थन किया था, वही मुखिया बने थे, तो उस टाइम पे दोस्तों जब उनके दो बेटे और एक उनके पोते, ये तीनों हुमायूं के मकबरे के अंदर बैठे हुए थे, उसी समय पर एक ब्रिटिश अधिकारी वहाँ पर जाता है और उन्हें कहता है कि बिना किसी शर्त के आप आत्मसमर्पण कर दो। तो उस समय पर दोस्तों उन्हें वहां से बंदी बना लिया जाता है और इसी सड़क से फिर उनको यहां पर लाया जाता है। और दोस्तों, जैसे ही वो बंदी बनाकर उनको चल रहे थे, वो उस समय बैलगाड़ियों पर उसको लेके आ रहे थे, बैलगाड़ियों में, और साथ में कम से कम भी 100 से 150 आदमियों की टुकड़ी थी, सैनिकों की टुकड़ी थी। तो जैसे ही वो यहां पर पहुंचे तो यहां पर बहुत सारे लोगों ने उन्हें घेर लिया। और दोस्तों, जैसे ही लोगों ने यहाँ पर घेरा तो जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो एकदम से घबरा गए, उन्हें लगा कि अब ये इनको छुड़ा कर ले जाएंगे और हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों उन्होंने उसी समय उन्हें यहीं पर उतारा और इसके अंदर ले आए। जो पीछे का जो आप दरवाज़ा देख पा रहे वहीं से उनकी एंट्री करवाई और यहाँ पर उनको ला के छोड़ दिया गया। और फिर जैसे ही दिखा कि विरोध और ज़्यादा बढ़ रहा है तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, ये थोड़ा सा होता ना कि थोड़ा सा हमें रोने पर मजबूर कर देती है, ऐसी घटना है ये। उस समय पर दोस्तों तीनों को यहाँ पर अंदर ले जाकर उनके कपड़े उतरवा दिए और कपड़े उतरवाने के बाद में फिर
तीनों को एक एक करके गोली से उड़ा दिया, उन्हें गोली मार दी। और दोस्तों जैसे ही ये घटना हुई, फिर सारे लोग जो वहाँ पर थे वो सारे के सारे भाग गए। और फिर क्या हुआ दोस्तों, उन्हें यहाँ से ले जाया गया चांदनी चौक। चांदनी चौक पर ले जाकर उन्हें 3 दिन तक वहाँ पर उनके शवों को रखा गया, उन्हें दफनाया नहीं गया, लोगों को ये दिखाने के लिए कि जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जाएगा उसका ये हाल होगा। तो ये दोस्तों सबसे जो मेन घटना जिसे मुगल दौर का अंत माना जाता है, इसीलिए इस स्थान को कहा जाता है कि ये स्थान मुगल दौर का आखिरी स्थान था, मुगल दौर का अंत था। दोस्तों मुझे लग रहा है आप घटनाएं सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन मैं बोलते बोलते नहीं थकूंगा। दोस्तों मैं भी क्या करूं, यहां पर इतनी सारी घटनाएं हैं। अब जो अगली घटना आ रही है, जो चौथी घटना है, वो घटना क्या है दोस्तों, जब 1947 के समय जब बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था, तो उस समय कुछ शरणार्थी पुराने किले की तरफ जा रहे थे। यहीं से दोस्तों यहाँ पर आगे हुमायूं का मकबरा और पुराना किला आता है। जब उस तरफ जा रहे थे तो उस समय पर कुछ शरणार्थियों को यहीं पर कत्ल किया गया था, यहीं पर खून खराबा हुआ था। तो एक समय वो भी था जब यहाँ पर दोबारा से फिर वही खून खराबा दोहराया गया। अभी हम आते हैं उस आखिरी घटना पर जिसके बाद यहाँ पर कोई घटना घटित नहीं हुई। दोस्तों सामने ही मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर ये खूनी दरवाज़ा है। तो दोस्तों 2002 की बात है, जब यहाँ पर 3 युवकों द्वारा यहाँ पर एक मेडिकल की छात्रा के साथ बलात्कार किया गया, और वो उस समय की आखिरी घटना थी और संसद में भी उसका काफ़ी बवाल उठा था, और उसी के बाद से इसको बंद कर दिया गया। और ये जो पीछे आप वो देख पा रहे हैं, ये जो ग्रीले लगाई गई हैं, ये जो गेट लगाए गए हैं, ये उसी समय पर लगाया गया। उसके बाद में यहाँ पर आम इंसान को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, उसके बाद किसी भी इंसान को यहाँ पर अंदर जाने नहीं दिया। तो ये उसके बाद में एक लास्ट घटना थी जिसके बाद दोबारा से इस खूनी दरवाजे के ऊपर कोई घटना नहीं घटी है। तो दोस्तों जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि भले ही ये जगह छोटी है, ये दरवाजा छोटा है, लेकिन घटनाएं बहुत सारी जुड़ी हैं, घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी हुई है यहाँ पे। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो खूनी दरवाजे के ऊपर। कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी, आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, देखते रहिए PS वाले।